आज हम शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस, जिसके राइटर आर्थर नारायण है, उसका सेकंड पार्ट करने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैंने अपने पिछले वीडियो में डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रामाराव नाम का एक व्यक्ति था जो अपने व्यापार में सब कुछ खो बैठता है। मैं नगर में कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करता है, किंतु अपने पूरे जतनों के बावजूद भी उसे कोई भी नौकरी ढूंढ नहीं मिलती। उसके पास केवल थोड़े से ही पैसे होते हैं, वह भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। उसे अपना बंगला किराए पे देना पड़ जाता है और वह खुद एक छोटे से मकान में, जो कि एक गंदे से इलाके में था, वहां पे वो चला जाता है। और उसके बाद वो एक दुकान में जाता है जहाँ पे वो एक मैगजीन पढ़ता है, जहाँ पे पजल्स डाले होते हैं जिन मैगजीन में, और फिर वो उस पजल्स में बिजी हो जाता है। रोज अपनी वाइफ से पैसे लेता था, इवन कि उनके घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो उन पजल्स के लिए पैसे ले लेता था, इसी उम्मीद में कि शायद इन पजलों से उसको इनाम मिले और वो एक बार फिर से अपनी अच्छी हालत में आ जाए। तो चलिए, हम आज इसका एक सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं। दिस वायलेंट अल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड डिस्पेयर सून रैक्ट हिज नर्व्स एंड बैलेंस। आशा और निराशा के मध्य उस भयानक भड़कन ने जल्द ही उसके साहस और उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दिया। एट होम ही हार्डली स्पोक टू एनीवन। घर में वह मुश्किल से ही किसी से बात करता। हिज हेड वाज ऑलवेज बोर्ड इन थॉट। उसका सिर हमेशा सोच में झुका रहता। ही कॉल्ड विद हिज वाइफ इफ शी रिफ्यूज टू गिव हिम ए रुपी ए वीक फॉर द पजल्स। वह अपनी पत्नी से झगड़ा करता अगर उसे पहेलियों के लिए, उन पजल्स के लिए हर सप्ताह उसे 1 रुपया देने से इनकार करती। ही वॉज ए माइल्ड डिस्पोजिशन एंड वॉज इनकेपेबल ऑफ सस्टेन्ड क्वरल, विद रिजल्ट दैट ही ऑलवेज गॉट व्हाट ही वांटेड, दो इट मेंट ए स्लाइट सेक्रीफाइस इन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। वह स्वभाव से नरम थी और झगड़े वो जारी रखने के काबिल नहीं थी। जो उसकी पत्नी थी वो झगड़ालू नहीं थी। जिसका परिणाम जय होता उसे हमेशा मिल जाते, मतलब कि वो अपने हस्बैंड को हमेशा जो भी वो पैसे मांगता था वो दे देती थी। यद्यपि इससे क्या होता था, उसके जो अपने घर के खर्च होते, रसोई के जो खाने पीने में जो जो भी पैसे खर्च होते थे उसमें वो कटौती करते, और जो भी पैसे अपने हस्बैंड को देने होते थे वो दे देते कि वो झगड़ा नहीं कर सकती थी। वन डे द गुड जर्नल अनाउंस्ड स्पेशल ऑफर ऑफ 8,000 रुपीज। एक दिन उस पत्रिका में जिसमें वो पजल्स डालता था 8,000 रुपये का एक विशेष पुरस्कार की घोषणा हुई। इट एक्साइटेड रामाराव विजन ऑफ ए फ्यूचर टेनफोल्ड। इसने रामाराव के भविष्य के सपनों को 10 गुना बढ़ा दिया। देर वॉज ओनली 4 डाउटफुल कॉर्नर्स इन इट एंड ही माइट हैव सेंट इन एटलीस्ट 4 एंट्रीज। उसने पहेली को ध्यान से पढ़ा। उसने केवल 4 संदेह वाली जगहें थी और इसलिए उसे शायद लगा कि मुझे ये चारों आंसर उसमें भेज देने चाहिए, उनसे एक एक ठीक हो जाएगा और मुझे प्राइस मिल जाएगा। ए लार्ज आउटले वाज इंडिकेटेड। ये एक अचानक बड़े निवेश का संकेत था, क्योंकि पहले वो 1 रुपया खर्च करता था, अब 4 आंसर भेजने के लिए उसको 4 रुपये चाहिए थे। यू मस्ट गिव मी 5 रुपीज दिस टाइम, ही सेड टू हिज वाइफ, एट विच दैट गुड लेडी बिकम स्पीचलेस। तुम्हें इस बार मुझे 5 रुपये देने होंगे, उसने अपनी पत्नी से कहा, जिस पर वह भली स्त्री अचानक से अभाक हो गई, मतलब स्पीचलेस हो गई, उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकल पाई। ही हैड बिकम रेदर इनसेंसिटिव टू सच थिंग्स दीज डेज, बट इवन ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग दी एस्ट्रिशियस नेचर ऑफ हिज डिमांड। इन दिनों वह ऐसी बातों के प्रति कुछ लापरवाह होने लगा था, किंतु स्वयं वह भी अपनी मांग को, क्रूरता को महसूस किए बिना ना रह सका। 5 रुपये वर नियरली 5 रुपीज वर नियरली ए वीक्स फूड फॉर दी फैमिली। 5 रुपये परिवार के लगभग 1 हफ्ते के भोजन के बराबर है, मीन उन 5 रुपयों से उनके पूरे वीक का, पूरे हफ्ते का भोजन आना था। ही फेल्ट डिस्टर्ब फॉर ए मोमेंट, बट ही हैड ओनली टू टर्न हिज अटेंशन टू स्पेक्टुलेट वेदर होप और डोप और रोप मेड मोर सेंसेस।
for some people prefer this to disappear, and his mind was at once at rest. वह एक पल के लिए विचलित हो गया, किंतु उसे केवल अपना ध्यान ये अंदाजा लगाने की तरफ लगाना पड़ा, मतलब उसने अपना दिमाग दूसरे, पहले वो डिस्टर्ब हो गया कि मैं अपनी वाइफ से 5 रुपए मांग रहा हूँ, फिर उसने अपना जो दिमाग था दूसरी तरफ लगा दिया, वो आंसर ढूंढने लगा, क्या इसका आंसर पोप होगा, डोप होगा या रोप होगा, कौन सा वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा। और उसका दिमाग तुरंत शांत हो गया, उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया, वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, उधर सोचने लगा, और इस तरह से वो उसने अपना दिमाग दूसरी तरफ लगा लिया। After sending away the solutions by distant post, he built elaborate, costless in the air. उत्तरों को डिजिटल डाक द्वारा भेजने के बाद वह लंबे लंबे दौड़ हवाई किले बनाने लगा। Even if it was only a share, he would get a sustainable amount of money. यद्यपि यह इनाम का कुछ हिस्सा ही होता तो उसे अच्छी भली राशि मिल जानी थी। He would send away his tenants, takes his wife and children back to bungalow in the extension and leave all the money in his wife's hand for her to manage for a couple of years or so. He himself would take 100 and go away to Madras and seek his fortune there. अब वो जो सोचने लगा कि वह अपने किराएदारों को वहां से भेज देगा, अपनी पत्नी और बच्चों को वापिस अपने extension वाले बंगले में ले जाएगा और सब पैसे अपनी पत्नी के हाथों में दे देगा, मतलब जो उसको प्राइस वहां से मिलना था, ताकि वह कुछ और वर्षों का गुजारा कर सके। वह खुद सिर्फ 100 रुपए लेकर मद्रास चला जाएगा और वहां पर अपने भाग्य आजमाएगा, मतलब वहां अपना काम मिलना शुरू करेगा। बाय द टाइम द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड वाज स्पेंट, ही वुड हैव फाउंड सम प्रॉफिटेबल वर्क इन मद्रास। जब तक उसकी पत्नी को जो उसने पैसे दिए थे खत्म होंगे, तब तक वो उसके पास एक अच्छा काम मिल जाएगा उसको, जिससे कि उसको प्रॉफिट होने लगेगा मद्रास में। ऑन द फेटफुल डे द रिजल्ट सरावरा ओपन्ड द कैप्टन एंड द करेक्ट सॉल्यूशन स्टेयर्ड हिम इन द फेस। भाग्य का निर्णय करने वाले परिणामों के दिन, जिस दिन उस पजल का रिजल्ट आना था, उस दिन रामाराव ने द कैप्टन खोली, वो जो मैगजीन थी द कैप्टन खोली, और सही हल उसे घूर घूर कर देखने लगे। His blunders were numerous, उसकी बड़ी बड़ी गलतियां अनेकों रही थी। There was no chance of getting back even a few annas now. शाम तक वह मारा मारा घूमता रहा। He moved about till the evening. The more he brooded about this, the more intolerable intolerable life seemed. वह इस बारे में जितना ज्यादा सोचता जीवन में उसे उतना ही ज्यादा असहनीय प्रतीत होता। मींस हुआ क्या, उसने जो रिजल्ट, वो जो 8,000 के लिए जो पजल डाले थे, जिसके लिए उसने 5 रुपए खर्च किए थे, अब उसका रिजल्ट आ गया, मगर उसमें उसका रिजल्ट उसमें उसका नाम नहीं था। अब उसको ऐसे लगा कि उसके पांव के नीचे से जैसे धरती निकल गई, और फिर वो सारा दिन इधर उधर घूमता रहा। अब उसको शर्म आ रही थी घर जाने में भी, अब उसने सोचा मैं तो अब घर नहीं जाऊंगा। ऑल द लॉसेस डिसअपॉइंटमेंट्स हैज फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द लाइफ केम डाउन ऑन हिम विद रिन्यूड फोर्स। जीवन के सभी नुकसान, निराशाएं और पराजयें एक नई ताकत के लिए उस पर आ पड़ी। बस उसको लगा जैसे आसमान मेरे पे आ गिरा है। इन द इवनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होम यार्ड ही मूव्ड अलोंग द रेलवे स्टेशन रोड। अब घर जाने के बजाय वो किस तरफ चल पड़ा, रेलवे रोड की तरफ चल पड़ा। ही स्लीप्ड इन एट द लेवल क्रॉसिंग एंड वॉक डाउन द लाइन ऑफ कपल ऑफ माइल्स। और पटरी के साथ साथ लगभग 2 मील तक चलता रहा। इट वॉज डार्क, अंधेरा हो गया। बहुत दूर नगर की रोशनी है, जो वहां से दूर से नगर से रोशनी, जो स्ट्रीट लाइट जल रही थी, झिलमिला रही थी, और सिग्नल वाले खंभों के ऊपर वाली लाल और हरी रोशनी उसके पीछे की तरफ 2-2 फ्लांग की दूरी पर इर्द गिर्द की चीजों के ऊपर धुंधली सी नजर आ रही थी। जो स्ट्रीट लाइट्स के साथ साथ सिग्नल लाइट्स भी थोड़ी बड़ी वहां पे दिख रही थी। ही हैड टू कम टू
टू द कंक्लूजन दैट हिज लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग। अब उसने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि जीवन जीने लायक नहीं है। इफ वन हैड द मिसफॉर्चून टू बी बॉर्न इन द वर्ल्ड द बेस्ट रेमेडी वॉज टू एंड मैटर्स ऑन द रेलवे लाइन और विद अ रोप होप डोप हिज माइंड आस्ट इन वॉलंटरली। यदि किसी को इस संसार में जन्म लेने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ हो और उसको लगा कि गलती से कोई इंसान जहां पे पैदा हो गया है, अगर उसके जीवन में कोई मतलब नहीं है, तो उसका सबसे बेस्ट इलाज ये है, रेमेडी ये है कि उसे अपना जीवन खत्म कर देना चाहिए रेलवे स्टेशन पे जाके, या फिर किसी रस्सी के साथ के अपने आप को लटका देना चाहिए। उसके दिमाग में वैसे ही पूछ लिया वो होप डोप जो खींचता रहता था आंसर, अब उसके दिमाग से निकल गए। ही पुल्ड इट बैक, उसने अपना इसे वापस खींचा। नन ऑफ दैट ही सेड टू इट एंड सेड इट रिगर्डली टू कंटेमिनेट द बिजनेस ऑफ डन। ऐसा कुछ नहीं उसने इससे कहा और सख्ती से इसे मरने के विचारों को तरफ ले गया। अब उसे अपनी बस यही लग रहा था कि मुझे मर जाना चाहिए। अब उसको अपनी ना पत्नी जा रहा है ना बच्चे जा रहे हैं, अब उसको लगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं रहा, अब मैं होपलेस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए अब मैं मर जाता हूँ। वाइफ चिल्ड्रन नथिंग सीम टू बी मैटर, पत्नी बच्चे अब किसी चीज का भी कोई महत्व नहीं रहा। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग नो वाज टोटल एक्सटिंक्शन। अब उसके दिमाग में एक ही बात आई थी कि अब मुझे मर जाना, एक्सटिंक्शन होगा, खत्म हो जाना, मर जाना। रेलवे लाइन थी उसके ऊपर लेट गया। The iron was still warm, उस पटरी के ऊपर जो आयरन लोहे लगे थे वो अभी भी गर्म थे। The day had been hot, क्योंकि उस दिन बहुत गर्मी थी। Ramarao felt very happy as he reflected that in less than 10 minutes the train from Tiruchirappalli would be arriving। उसको ये लगा कि अब जो भी ट्रेन आने वाली है, बड़ा खुश था कि अब 10 मिनट में ट्रेन आ जाएगी और मैं उसके नीचे मर जाऊंगा और मेरा सारा काम खत्म हो गया। He lay there, he did not know how long। वह वहां लेटा रहा, पता नहीं कितनी देर, उसको खुद भी नहीं पता चला। He strained his ears to catch the sound of the train। और उसके कान खड़े थे ट्रेन की आवाज सुनने के लिए। But he heard nothing more than a vacuum rattling and buzzing far off। मगर उसको कुछ भी सुनाई नहीं दिया, किंतु उसे दूर से आती हुई अस्पष्ट सी खड़खड़ाने की आवाज भी भिनाने से ज्यादा और कुछ सुनाई ना दिया। उसको ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी कोई भी, क्योंकि ट्रेन वहां आ ही नहीं रही थी। प्रेजेंटली ही ग्रू टायर्ड ऑफ लाइंग डाउन देयर, अब वो वहां लेटा लेटा थक गया, उठ गया और उसने सोचा कि मैं खड़ा हो जाता लाइन में नहीं लेटना। ही रोज एंड वॉक्ड बैक टू द स्टेशन, अब वो खड़ा हुआ और फिर से स्टेशन की तरफ चलने लगा। देयर वॉज ए गुड क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारा रश था, क्राउड वगैरह रश। ही आस्क्ड समवन व्हाट वाज हैज हैपेंड टू द ट्रेन, अब उसने किसी से पूछा गाड़ी को क्या हुआ, मतलब ट्रेन क्यों नहीं आ रही है। ए गुड्स ट्रेन हैज डिलेड थ्री स्टेशन ऑफ, किसी ने बोला गुड्स होता है सामान लेने वाली जो ट्रेन थी, उसने बोला जहाँ पे तीन स्टेशन दूर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई है और रास्ता एंड द वे इज ब्लॉक्ड, और रास्ता बंद हो चुका है। They had sent up a relief, उसको जैसे कोई मतलब की रिलीफ मिल गया, सांस में सांस आई। All the trains will be at least 3 hours late today, और वो आदमी कहने लगा आप जो भी पीछे से ट्रेन आई तो 3 घंटे अब लेट हो गई है, 3 घंटे लेट आएंगी। God you have shown me mercy, अब वो भगवान को थैंक यू कहने लगा, भगवान तुमने मेरे पे दिया दिखाई है, मर्सी मैंने दिया दिखाई है। Ramarao cried and ran home। Ramarao चिल्लाने लगा, रोने लगा और भागा घर की तरफ। His wife was waiting at the door, looking down the street। और वहां दरवाजे पे उसकी वाइफ, जैसे वो बेचारी रोज खड़ी होती थी, आज भी खड़ी थी और स्ट्रीट की तरफ नीचे रास्ते की तरफ देख रही थी। She brightened up and sighed with relief on seeing Ramarao। Ramarao को देखकर वह खिल उठी, खुश हो गई और उसने चैन की गहरी सांस ली, क्योंकि अब उसको बड़ी टेंशन हो रही थी उसकी वाइफ को। She welcomed him with a warmth he had never known for over a year now। उसने उसका इतना स्नेहपूर्वक स्वागत किया, उसकी पत्नी ने उसका स्वागत किया, जो उसने पिछले एक साल में भी ज्यादा समय तक नहीं देखा था। वो इतना प्यार, इतना स्वागत, वेलकम उसने शायद एक साल हो गया था नहीं देखा था। Oh, why are you so late today? She asked। उसने बोला, आज तुम इतने लेट क्यों हो गए हो? I was somehow feeling very restless the whole evening। अरे, आप इतने लेट हो गए हो? उसने पूछा।
किसी वजह से मैं पूरी शाम बड़ी बेचैन रही। मैं पूरी शाम मैं बेचैन रही, मुझे अजीबोगरीब ख्याल आते रहे। पुअर क्रिएचर्स दे हैड जस्ट गॉन टू स्लीप। बच्चे भी चिंतित थे, कहने लगे बेचारे मासूम। पुअर क्रिएचर्स मैंने बेचारे मासूम, वे अभी अभी सोए हों, कह रहे हैं अभी का इंतजार कर रहे थे, इंतजार करते करते अब सो गए हैं। मैनी सैड डोंट टू ईट एंड सैड शी सैड आवर टेनेंट्स इन एक्सटेंशन बंगलो केम इन द रूम टू आस्क इफ यू वुड सेल द हाउस। अब वो खाने के टेबल पे बैठे थे, तो वहां पे बताती है टेनेंट्स, मैंने आपको पिछले वाले में बताया था वीडियो में कि टेनेंट्स होते किराएदार। जब मैं खाना खाने के लिए बैठा तो वो कहने लगे एक्सटेंशन वाले बंगले के किराएदार जो है वो आज शाम को आए थे, कि वो पूछना चाहते थे कि आप अपना बंगलो बेचना चाहेंगे। दे आर रेडी टू ऑफर गुड कैश फॉर इट इमीडिएटली। वो हमें इसके लिए अच्छे पैसे दे रहे हैं, मतलब एकदम से हमें कैश दे देंगे। शी एडिड क्वाइटली आई थिंक वी मस्ट सेल द हाउस। और वो फिर आहिस्ता से बोलती है, क्वाइटली मैंने आराम से बोलती है, मुझे लगता है कि हमें घर बेच देना चाहिए। एक्सलेंट आइडिया रामोरा रिप्लाइड जुबिलेंटली। जो रामोरा तो कहता है तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। दिस मिनट वी कैन गेट 400,000 फॉर इट। इस वक्त हमें इसके 4,500 रुपए मिलेंगे। वी गेट 4,500 फॉर इट, 4,500 रुपया वो हमें बंगलो के दे देंगे। गिव मी द 4,500 एंड आई विल गो टू मद्रास एंड सी इफ आई कैन डू एनीथिंग यूजफुल देयर। तुम मुझे 4,500 दे देना, मैं मद्रास जाऊंगा और मैं देखूंगा क्या मुझे वहां कोई अच्छा काम मिल जाता है। जो कीप द बैलेंस विद यू एंड रन द हाउस। तुम बाकी पैसे अपने पास रखना और घर चलाना। लेट अस फर्स्ट मूव टू द बेटर लोकेलिटी। और हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, किसी अच्छी जगह रहने जाएंगे। आज यू गोइंग टू इम्प्लाई योर 500 टू गेट मोर मनी आउट ऑफ क्रॉसवर्ड पजल्स। अब पूछती है अब तुम क्या ये जो मेरे से 5,000 रुपीज मांग रहे हो, 5,000 मांग रहे हो, ऐसे तुम और पजल्स ला लोगे, क्रॉसवर्ड पजल्स ला लोगे। शी आस्क्ड क्वाइटली, थोड़े से चुपके से बोलती है। एट दिस रामाराव फेल्ट डिप्रेस्ड फॉर ए मोमेंट एंड देन स्वोर विद ग्रेट एम्फेसाइजेस नो नो नेवर अगेन। अब जो बेचारा रामाराव था शांत भाव से एक पल में वैसे उदास सा हो गया, पहले डिप्रेस्ड मैंने उदास हो गया, फिर उसने आंसर किया मैं कसम खाता हूँ, सुबह मैंने कसम खाता हूँ आगे से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। नो नो नेवर अगेन, अब मैं इस चीज को कभी भी नहीं दोहराऊंगा। मुझे समझ आ गया है कि इन क्रॉसवर्ड पजल्स में चाहे आप जितने मर्जी आंसर्स भेजें, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आप ही कहा आंसर निकले। मुझे आप सीख मिल गई है, अब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, ना आप लोगों की जिंदगी बर्बाद करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जो मुझे 500 रुपया आप दोगे मैं इसको लेकर मद्रास जाऊंगा और वहां एक अच्छा सा काम ढूंढूंगा। जब तक तुम बाकी पैसों से तुम अपना घर चलाना और इतनी देर में मुझे अच्छा काम मिल जाएगा और हम लोग फिर एक अच्छा सा घर बनाएंगे और फिर वहां चले जाएंगे। इसी के साथ हमारा जो सेकेंड पार्ट था आउट ऑफ बिजनेस शॉर्ट स्टोरी का वो कम्प्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को किसी भी लेसन किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने क्वेश्चन आंसर्स और समरी इन हिंदी हर चैप्टर की डाली है, वहां जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है, जैसी के रिलेटेड जो दूसरा फर्स्ट वीडियो था उसमें प्रॉब्लम है, प्लीज नीचे कॉमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।